एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है एक बड़ा पोस्ट इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट चीज़ के लिए? बताता हूँ जी आपको। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी, जी सिकंदर भगत साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरद खुरद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटीज से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं, मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है, और अच्छा इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा, ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरी मेरे पास उसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल ही नहीं है।